हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी प्रिपरेशन का वीडियो। काफ़ी समय से आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी जन्माष्टमी प्रिपरेशन वीडियो के लिए, और अभी हालांकि सारी प्रिपरेशंस पूरी नहीं हुई है, सारी डेकोरेशंस पूरी नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जितना भी कुछ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप सभी को उससे रिलेटेड आइडियाज़ मिल सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे जो लड्डू लाडली और कान्हा के लिए नानी ने स्पेशली हैंडमेड कपड़े बनाए हैं, वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो यही हैं वो कपड़े, और साथ ही में ये देखिए, और थोड़ा श्रृंगार का सामान भी है। इसके अलावा हमने ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, ये देख ही सकते हैं आप। डेकोरेशन का थोड़ा सामान है तो ये भी हमने ऑर्डर किया है। और भी मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूँ तो आप गोपी सेट मंगा सकते हैं, जिस तरह से इस इमेज में मैंने दिखाया है। और उसके अलावा मैं आपको और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप इन सभी में से आइडिया ले सकते हैं और डेकोरेशंस इसमें से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए कलरफुल साड़ीज़ हैं, उससे आप पीछे का बैकग्राउंड बना सकते हैं, नीचे का कपड़ा बिछाकर उसका भी डेकोरेशन कर सकते हैं। और भोग में जो आप बनाना चाहते हैं उसकी आप पहले से ही लिस्ट बनाकर रख सकते हैं, जैसे कि पंजीरी, दही, माखन, खीर और भी बहुत सारी मिठाइयाँ जो कि आपके लड्डू को बहुत पसंद हो, उनकी फेवरेट, तो इन सब चीज़ों की आप लिस्ट बनाकर रख सकते हैं। और इस सब के अलावा हमने डेकोरेशन के सामान में इंक्लूड किया है मोरपंख, जो कि कान्हा जी को बहुत प्रिय होता है और डेकोरेशन में बहुत आकर्षक भी लगता है। और हम लड्डू लाडली के लिए शॉपिंग भी करने गए थे, जन्माष्टमी स्पेशल शॉपिंग। और ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर तरह तरह की वस्तुएँ हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, तरह तरह की बाँसुरियाँ हैं, तो एक दो बाँसुरियाँ हमने पसंद भी करी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बंगाली आउटफिट भी है, जो हमको लड्डू के लिए बंगाली ड्रेस मिली थी उसी का मुकुट मिला था, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लेकिन अफसोस वो हमारे लड्डू के नाप का नहीं था तो इसलिए हम वो ले नहीं पाए, वरना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ये देखिए बंगाली मुकुट भी है। तो ऐसे हम शॉपिंग करने भी गए थे स्पेशली, तो मैंने सोचा छोटी छोटी क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने फाइनली कौन कौन सी चीज़ें ली हैं जन्माष्टमी के लिए। लेकिन दोस्तों, ये टॉप सीक्रेट है, आप बिल्कुल भी लड्डू को पता मत चलने दीजिएगा, उनसे छुप छुप के हम आपको ये दिखा रहे हैं, हमने उनसे बिल्कुल ये सब छुपा रखा है क्योंकि ये उनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट है। तो सबसे पहले ये देखिए कुर्ता और पजामा सेट है, लड्डू के लिए भी और कान्हा के लिए भी। और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल और क्यूट सी चीज़ है, तो ये देखिए, ये है लड्डू के लिए बॉटल, पानी की बॉटल, बहुत ही प्यारी बॉटल है, जैसे कि बच्चे, छोटे बच्चे टांगते हैं स्कूल जाते समय। अभी मैं आपको इसे खोल के भी दिखाती हूँ, ये देखिए, तो ये बॉटल बड़ी प्यारी लगी हमको और बहुत ही सुंदर भी है, और ये देखिए खुल भी जाती है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नई सी चीज़ है और बहुत ही प्यारी भी लगी। और इसके अलावा हमने कुछ ज्वेलरी भी ली है, तो ये देखिए यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जिस पर राधे राधे लिखा हुआ है, तो ये भी बड़ा प्यारा लगा हमको। और ये देखिए यहाँ पे चप्पल, लड्डू के लिए भी और कान्हा के लिए भी, तो ये भी हमें बड़ा ही प्यारा लगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए लाडली के लिए इयररिंग्स हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी सी, और यहाँ पे हैं कुछ हार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और चमकी हार लिए हमने ताकि वो अच्छे लगेंगे जन्माष्टमी वाले दिन, और साथ में कुछ इयररिंग्स। और ये है हमारे बड़े युगल सरकार के लिए बांसुरी, और उन्हीं के लिए यहाँ पे हार हैं, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा। तो ये तो कान्हा जी का हार है और ये राधा रानी का हार है, दोनों बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे हमने महादेव के लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट लिया है, ये उनके लिए डमरू लिया है हमने, तो ये भी हमें बड़ा प्यारा लगा, तो हम महादेव के लिए भी लेके आए हैं। और लास्ट में यहाँ पे लड्डू के लिए एक और गिटार है, तो ये भी बहुत प्यारा है। और हमने ऑनलाइन यहाँ पे एक और स्पेशल चीज़ ऑर्डर की है, ये है एक वॉलपेपर या फिर आप कह सकते हैं एक बैकग्राउंड, जो कि मंदिर में लगाने के लिए है जन्माष्टमी वाले दिन, तो ये भी एक डिफरेंट सी चीज़ हमने ट्राई की है। और दो तरह के मंगाए हैं, एक तो ये वाला था और दूसरा ये दूसरा डिज़ाइन है वो,
तो ये दो चीज़ें भी हमने ऑर्डर की हैं, और मोरपंख तो मैंने आपको दिखाई दिए थे तो वो भी हमने साथ में ही रखे हुए हैं। और इसके अलावा हमने जन्माष्टमी वाले दिन हम वीडियो तो बनाने ही वाले हैं और फोटोज़ भी आ जाएंगी अच्छे से, पूरा ब्राइट होना चाहिए। उसके लिए भी हमने एक चीज़ और ऑर्डर की है जो कि मैं आपको अभी खोल के दिखाने वाली हूँ। तो उसी दिन के लिए यहाँ पे थोड़ा ताकि ब्राइट रहे सब कुछ बिल्कुल, उसके लिए हमने यहाँ पे लाइट्स ऑर्डर की हैं, LED लाइट्स हैं ये। ये भी मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने सारी तैयारी अभी तक करी नहीं है, लेकिन जितनी करी है उसका मैं आपको अभी वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने लाइट्स भी ऑर्डर करी हैं, ये है LED लाइट्स, इससे कि ब्राइटनेस रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए कुछ पुष्प हैं, इसी तरह की हम मालाएं लाएंगे, फूल लाएंगे और उसी से हम डेकोरेशन भी करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए कुछ नाइट सूट्स हैं जो कि नानी ने अपने हाथों से बनाए हैं, क्योंकि जब लड्डू गोपाल का अभिषेक होता है उसके बाद उनके कपड़े चेंज करते हैं, तो तब के लिए नानी ने यहाँ पे पीले वस्त्र बनाए हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल भी हैं और अभिषेक के बाद पहनाने के लिए बिल्कुल सही हैं। तो ये देखिए ये सारे हैंडमेड हैं, नानी ने बहुत ही प्रेम से बनाए हैं, और सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत सॉफ्ट हैं ये सब। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सुनार की दुकान पर, और क्या आप जानना चाहते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ पर आए हैं कान्हा और लाड्डी के लिए पायल बनवाने के लिए, चांदी के पायल, क्योंकि लड्डू के पास तो ऑलरेडी पायल हैं ही, लाडली और कान्हा के पास नहीं थे, गोपाल के पास भी नहीं थे, तो हम इन सब के लिए जन्माष्टमी के लिए पायल बनवाने आए हैं। तो चांदी की पायल बहुत अच्छी लगेगी हमारी प्यारी प्यारी लाडली के पैरों पर, और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और दूसरी ओर लाला के घर में भी जन्माष्टमी की जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं, और नानी ने बताया है कि वो जन्माष्टमी के दिन झांकी में कौन कौन सी वस्तुओं का यूज़ करने वाली हैं डेकोरेशन में, तो वही सब चीज़ें मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे तरह तरह की नानी ने चीज़ें सजा कर आपको दिखाई हैं कि वो किन किन चीज़ों का यूज़ करने वाली हैं। यहाँ पे लाला के लिए तरह तरह के मनोरंजन के सामान रखे हैं, वस्तुएँ रखी हैं, टॉयज़ रखे हैं, ताकि लाला बिल्कुल भी बोर ना हो और बहुत इन्जॉय करें।